अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खान लोग स्टूडियो। मेरा नाम दिलावर खान है और मैं आज आपको सिखाऊंगा किस तरह से इस तस्वीर को मैंने एडिट किया है, जैसा कि आप स्लाइड शो पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोबाइल को ओपन करेंगे। मोबाइल को ओपन करने के बाद इस पे एक एप्लीकेशन होगी कैंडी कैमरा, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी, तो जो कि मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है। ओपन करने के बाद ये फ़िल्टर एडिट आएगा। फ़िल्टर एडिट करने के बाद यहाँ हमने जो तस्वीर एडिट करनी हो वो सिलेक्ट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर एडिट करने के लिए सिर्फ कंप्यूटर ही होता है, मोबाइल से भी आप बहुत आसानी के साथ बहुत ही जल्दी अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसा कि ये 2 मिनट की वीडियो में मैंने तस्वीर एडिट की है, तस्वीर को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये फ़िल्टर पर क्लिक किया। फ़िल्टर पर आके CK01 फ़िल्टर है, इससे जो तस्वीर की ब्राइटनेस वगैरह और शाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल की हो जाती है। तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फेस पर क्लिक करने के बाद ये स्किन परफेक्टर है, इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा देंगे। तो लेवल आप देख रहे हैं तस्वीर में किस तरह से आ गया और शाइनिंग भी आपको नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों, हम जी हाँ, इसके एडजस्टमेंट ठीक लगेगी उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो एडिट का ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एडजस्ट का उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो ब्राइटनेस वगैरह कॉन्स्टेंट, ये इसके टूल्स हैं और फीचर्स हैं, तो इस पर हम ऊपर नीचे करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आगे आप दोस्तों देखें कि सैचुरेशन को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया, शार्पन को भी हाई कर दिया। तो जैसे दोस्तों आपकी तस्वीर है, हर तस्वीर का मतलब एक अलग स्टाइल और अलग बैकग्राउंड होगा, तो उसके मुताबिक आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरी तस्वीर है उसके मुताबिक मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैंने डिक्रीज़ किया है, कॉन्सेंट्रेट को इंक्रीज़ किया है, उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, शार्पन को थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ और लोमो को यूज़ कर रहा हूँ। लोमो का ये ऑप्शन होता है कि आप बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं, जिससे तस्वीर बहुत ही अमेजिंग हो जाती है। जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ लोमो को इंक्रीज़ करने से क्या होता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं लोमो को इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखें, अब ये लोमो को इंक्रीज़ करने से बैकग्राउंड ब्लैक हो गया थोड़ा सा, तो तस्वीर बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। तो इस तरह से आप तस्वीर को डन करके सेव कर सकते हैं, ये तस्वीर अभी गैलरी में सेव होगी। तो दोस्तों, अपना खास खास ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन